टेलीकॉम सेक्टर में जोरदार एंट्री करने वाले रिलायंस जियो ने स्पीड के मामले में अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक डाउनलोड के मामले में रिलायंस जियो ने वोडाफोन एयरटेल को पीछे छोड़ दिया है। ट्राई के डेटा के मुताबिक दिसंबर में जियो नेटवर्क पर डाउनलोड स्पीड 18.16 एमबीपीएस तक पहुंच गई, जो सितंबर में जियो सर्विस के शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे टॉप लेवल है। ये जानकारी ट्राई की ओर से मंथली बेस पर जारी किए जाने वाले एवरेज मोबाइल डेटा के आंकड़ों में दी गई। नवंबर में जियो की औसत स्पीड 5.85 एमबीपीएस रही थी। वहीं दूसरे सर्विस प्रोवाइडरों में वोडाफोन की स्पीड नवंबर में 4.9 एमबीपीएस से बढ़कर दिसंबर में 6.7 एमबीपीएस हो गई है। ट्राई ने अपने वेबसाइट www.myspeed.try.gov.in पर डाउनलोडिंग स्पीड के टॉप 3 चार्ट में रिलायंस जियो की स्पीड 9.92 एमबीपीएस दिखाई है, जो पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर एयरटेल को रखा गया है, जिसकी स्पीड 8.07 एमबीपीएस दिखाई गई है। तीसरे नंबर पर वोडाफोन है और जिसकी स्पीड 7.53 एमबीपीएस है। हालांकि अपलोड के मामले में रिलायंस जियो फिसड्डी साबित हुआ है। अपलोड के मामले में 4.09 एमबीपीएस के साथ वोडाफोन पहले, 3.9 एमबीपीएस के साथ आइडिया दूसरे और 3.31 एमबीपीएस के साथ एयरटेल तीसरे और 2.62 एमबीपीएस स्पीड के साथ रिलायंस जियो चौथे नंबर पर है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।